उनके कुर्ते के ऊपर हाथ की छाप लगी हुई थी, अब उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। तो लगता है कि वाराणसी की सीट पर एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि अभी भी चुनाव हो रहा है, शाम तक सबकी तकदीरें ईवीएम में कैद हो जाएंगी, लेकिन फाइनल पुश जिसे कहा जाता है वो हर कैंडिडेट अभी भी दे रहा है। एक क्विक रिएक्शन मानस बनर्जी की तरफ से भी ले लूंगी मैं सर, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। ये जो मोदी जी का अभी जो भाषण हुआ, इसमें एक चीज देखिए, उन्होंने सीधा सीधा कभी नहीं बोला कि बीजेपी को वोट दो, किसी ने नहीं बोला। लेकिन नॉर्मली उम्मीदवार है, जिसे सही बोला है कि उम्मीदवार है, इनको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ डर हो गया कि ये जो वोटिंग जो हो रहा है इतना स्लो हो रहा है। लेकिन एक चीज सोचना पड़ेगा, आज टेम्परेचर ज्यादा है, दोपहर अभी 12:20 हुआ, तो इस टाइम में धूप ज्यादा होता है तो वोट परसेंटेज ऐसे कम होता है। उनको कहना है आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे दो, अभी आप लोग वोट देने के लिए आ जाओ। लेकिन अंदर में तो एक चीज तो सीधा है, ज्यादा वोट होगा तो बीजेपी का फायदा है, ये बात तो आपको सुनना मानना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज, एक मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन हाँ या ना में आप सभी पैनलिस्ट से जवाब, उसके बाद मैं ब्रेक के बाद अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाऊंगी। स्मिता, मोदी जी कुछ भी सोचे समझे बगैर बिना प्लान तरीके से नहीं करते हैं, आप मानती हैं कि ये जो राष्ट्र के नाम संदेश हुआ प्लान था? जी हाँ या ना? जी उषा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लान था। संतोष भारती जी? देख रहे हैं तो राष्ट्र के नाम संदेश की, और मानस जी ने कारण बता दिया है, कारण बता दिया है कि कमजोर वोटिंग हो सकता है कि कहीं ना कहीं संशय और सिरदर्द की वजह बन रही हो, इसीलिए शायद मोदी जी को यहां पर आके एक संदेश देना पड़ा कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकलें और वोट करें। वैसे तो ये संदेश अपनी तरफ से हम भी देना चाहेंगे कि आप निकलिए घर से, वोट कीजिए, लोकतंत्र में आपकी ये जिम्मेदारी। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है, कहीं नहीं जाए।